दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे, जहाँ एक महिला अपने शारीरिक सुख को पूरा करने के लिए अपने ही ससुर को प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ करीब 2 साल तक नाजायज संबंध स्थापित करती रही। जब इसकी भनक एक दिन उसके पति को लगी, उसके बाद जो हुआ आपको देख लो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे अफेयर में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के एक छोटे से गांव की है। यहां बाबूलाल अपने बेटे दिव्यांशु की शादी फूलमती नाम की लड़की से 3 साल पहले की थी। शादी के करीब 1 साल बाद घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण फूलमती का पति दिव्यांशु अपने दोस्त के साथ दिल्ली कमाने चला गया, जिसके बाद महिला घर में सास और ससुर के साथ रहती थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे महिला की जवानी उफान मारने लगी, क्योंकि पति के प्रदेश रहने पर महिला को शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते वह बहुत परेशान थी। तभी एक दिन महिला ने वो वाले सुख प्राप्त करने के लिए अपने ही ससुर को प्रेम के जाल में फंसाना शुरू कर दिया और आखिरकार धीरे धीरे एक दिन बहू ने अपने ससुर को प्रेम जाल में फंसा ही लिया। फिर क्या था, एक दिन बहू मौका मिलते ही ससुर को अपने कमरे में बुला लिया और उसके साथ अपने जिस्म की भूख को पूरा कर लिया। अब बहू आए दिन मौका मिलने पर ससुर को रूम में बुलाकर नाजायज संबंध स्थापित करने लगी, जिसके बाद धीरे धीरे ससुर को भी अपनी जवान बहू के साथ गेम खेलकर मजा आने लगा था और अब आए दिन दोनों अपनी सीमाओं को लांघकर एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने में लगे हुए थे। करीब 2 साल तक दोनों का यह सिलसिला लगातार ऐसे ही चलता रहा। एक दिन की बात है, जब दोपहर में ससुर अपने रूम में लेटकर आराम कर रहा था, तभी उसकी जवान बहू उसके पास आकर बैठ गई और प्यार भरी बातें करने लगी। कुछ समय प्यार भरी बातें करने के बाद दोनों मौका देखकर एक दूसरे से अवैध संबंध बनाने लगे। तभी अचानक पीछे से उसकी सासू माँ वहाँ पर आ गई और बहू को पति के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसके बाद वे तुरंत होशियारी दिखाते हुए वहाँ से वापस बरामदे में चली आई और फोन के माध्यम से पूरी जानकारी अपने बेटे दिव्यांशु को दी। जैसे ही वे बहू और पति के अवैध संबंधों की जानकारी अपने बेटे को दी तो उसके होश उड़ गए और वह तुरंत वहां से घर रवाना हो गया। घर पहुंचते ही पति दिव्यांशु पत्नी और पिता दोनों को बारी बारी से बुलाकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पिता ने बताया कि बेटा, जब से तुम परदेश गए हो तब से बहू हमें अपने साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए फोर्स करती थी और नहीं बनाने पर मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने की बात कहती थी। यह सुनते ही दिव्यांशु पुलिस स्टेशन गया, जहां पत्नी के खिलाफ तलाक सुधा केस दर्ज करवाया और अगले दिन वकील से समझकर कोर्ट में जाकर पत्नी को तलाक दे दिया। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने परिवार को सेफ रखें।